यूज्ड टू और वुड काफी कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश के और यूज होते हैं पास्ट की किसी एक्शन के बारे में बताने के लिए, पर यूज्ड टू कहां यूज करे और वुड कहां यूज करे इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, समझते हैं कि यूज्ड टू और वुड को इंग्लिश सेंटेंसेस में सही तरीके से कैसे यूज करना है। तो आज हम सीखेंगे कि यूज्ड टू और वुड को पास्ट की एक्शंस के बारे में बात करने के लिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे व्हेन टू यूज यूज्ड टू एंड वुड, कौन से सेंटेंसेस में यूज्ड टू आएगा और कौन से सेंटेंसेस में वुड आएगा, व्हेन नॉट टू यूज देम, कब उन्हें यूज नहीं करना है, और लास्ट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या हम इन्हें इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, पास्ट में मैं बहुत ज्यादा फुटबॉल खेला करता था। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे। क्या मैं आज प्रेजेंट में खेलता हूं? नहीं, आज मैं नहीं खेल पाता क्योंकि शायद मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं रोज खेला करता था। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले फुटबॉल, दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, पर मैंने एक एक्शन को जो पास्ट की एक्शन है उसे अलग तरीके से कहा है। एक में मैंने यूज टू यूज किया है और एक में मैंने वुड यूज किया है। हम यूज टू और वुड को पास्ट में होने वाली रिपीटेड एक्शन के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई चीज जो पास्ट में हो रही थी, एक रूटीन थी। जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे, मेरा एक रूटीन था, राइट? आपको एक चीज का खास ध्यान देना है, जब भी आप यूज टू यूज करते हो उसके बाद का जो वर्ब आता है वो उसके बेस फॉर्म में आएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि ये पास्ट की एक्शन है तो उसके बाद का जो वर्ब आएगा तो उसके आगे हम ईडी लगा देंगे, ये प्लेड यूज करेंगे, आई यूज टू प्लेड, ये गलत होगा। हम जब भी यूज टू यूज करेंगे जो नेक्स्ट वर्ब उसके बाद फॉलो होता है वो हमेशा उसके बेस फॉर्म में होगा। अभी हम समझते हैं कि क्या हम यूज टू की जगह वुड यूज कर सकते हैं या वुड की जगह यूज टू यूज कर सकते हैं, ये समझते हैं। मतलब कैन वी रिप्लेस यूज टू विथ वुड और कैन वी रिप्लेस वुड विथ यूज टू। अगर मैं कहूं कि आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे, अगर यहां से मैंने यूज टू को हटा दिया और मैंने कहूं कि आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे, क्या ये सेंटेंस सही होगा? ये सेंटेंस डेफिनेटली सही होगा। और क्या मैं कह सकता हूं कि व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ये भी सेंटेंस सही होगा। तो एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब भी कोई एक्शन यानी कि एक रिपीटेड एक्शन पास्ट में हो रही थी और प्रेजेंट में नहीं हो रही है, वहां पर आप यूज टू भी यूज कर सकते हो और वुड भी यूज कर सकते हो। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो है जो इसके बाद वर्ब आएगा वो उसकी बेस फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों ये था रूल नंबर 1 टू यूज यूज्ड टू एंड वुड। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। वी डिडंट यूज टू वॉच टीवी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं जब कॉलेज में था हम टीवी नहीं देखा करते थे। व्हेन आई वाज इन कॉलेज माय मॉम वुड कॉल मी डेली, जब मैं कॉलेज में था मेरी मॉम रोज मुझे कॉल किया करती थी, पहुंचे क्या, कब आ रहे हो, रोज किया करती थी। क्लियर? और ये दोनों भी एक्शंस पास्ट की रिपीटेड एक्शन है, एक रूटीन है पास्ट का जो प्रेजेंट में नहीं हो रहा क्योंकि मैं अभी कॉलेज में नहीं हूं, राइट? पर एक चीज यहां पर आप नोट करो, हमने यूज किया है डिड नॉट, जिसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिडंट, राइट? जब भी आप सेंटेंस में नॉट लगाओगे तब आप यूज्ड डी नहीं आएगा, सिर्फ यूज टू आएगा। अगर आप यहां पर डी लगाएंगे दैट इज यूज टू, ये गलत होगा, यूज टू एंड नॉट यूज्ड टू। यहां पर एक लड़की है जो पहले इंजीनियरिंग का काम करती थी, शी वॉज एन इंजीनियर, पर उसने सोचा कि इंजीनियरिंग उसके बस की बात नहीं है और वो बन गई एक ट्रेनर या टीचर बन गई। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई यूज टू बी एन इंजीनियर बट नाउ आई एम अ ट्रेनर, मैं एक इंजीनियर हुआ करती थी बट नाउ आई एम अ ट्रेनर।
क्या इस सेंटेंस में हम यूज टू को हटाकर वुड यूज कर सकते हैं? हम नहीं यूज कर सकते. क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज समझना बहुत जरूरी है. जैसे पहले एग्जांपल्स में हमने देखा कि यूज टू और वुड एक रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज हो रहे थे, राइट? वो एक रूटीन था. पर क्या यहां पर उसका इंजीनियर होना एक रूटीन है? नहीं है, वो एक स्टेट है, राइट? जैसे इंग्लिश में स्टेट वर्ब्स होते हैं, उसी तरह इस सेंटेंस में उसका इंजीनियर होना एक स्थिति है, राइट? वो रोज इंजीनियर नहीं बन रही है. उसने पढ़ाई खत्म की, वो इंजीनियर बन गया, उसने जॉब लिया, पर अभी वो इंजीनियर थी और अब वो टीचर है. तो ये एक स्टेट है जो अभी प्रेजेंट में सही नहीं है. इट इज नॉट ट्रू नाउ. तो ऐसी सिचुएशंस में आप वुड नहीं यूज करोगे, ये गलत होगा. आई वुड बी एन इंजीनियर बट नाउ आई एम अ ट्रेनर और अ टीचर, ये सेंटेंस गलत होगा. यहां पर जो सही वर्ड आएगा वो होगा यूज टू. आई यूज टू बी एन इंजीनियर बट नाउ आई एम अ ट्रेनर. आई यूज टू बी अ डॉक्टर बट नाउ आई एम अ राइटर. आई यूज टू बी अ शेफ बट नाउ आई एम अ टीचर. क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. एक लड़का है जो पहले सेल्समैन हुआ करता था, पर अभी उसने एक ऑफिस का जॉब लिया है, तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई यूज टू लाइक सेल्स जॉब बट नाउ आई लाइक डेस्क जॉब. उसे सेल्स जॉब पहले पसंद था पास्ट में, पर अभी उसे डेस्क जॉब पसंद है. ये भी क्या है? ये भी एक स्टेट है. उसकी जॉब सेल्स की थी, पर अभी प्रेजेंट में वो ऑफिस काम करता है, डेस्क जॉब करता है, राइट? तो ये भी एक स्टेट है. और यहां पर भी वुड को यूज नहीं करेंगे. यहां पर भी आप कहोगे आई यूज टू लाइक सेल्स जॉब बट नाउ आई लाइक डेस्क जॉब. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई यूज टू लाइक प्रोग्रामिंग बट नाउ आई लाइक पेंटिंग. एक टाइम था जब मैं प्रोग्रामिंग कोडिंग किया करता था, पर मुझे अभी पेंटिंग पसंद है या पढ़ाना पसंद है. क्लियर? तो यही डिफरेंस है यूज टू और वुड का. बहुत ही छोटा सा लेसन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर ये समझना बहुत जरूरी है कि यूज टू को कहाँ यूज करना है और वुड को कहाँ यूज करना है. बी बीन और बीइंग, इंग्लिश के तीन इंपॉर्टेंट वर्ब्स, और न जाने कितने स्टूडेंट्स इन तीन वर्ब्स से परेशान है, खास करके बीन और बीइंग से. तो दोस्तों आज हम यही सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन द वर्ब्स बी बीन और बीइंग, और खास करके इन दो वर्ब्स के बारे में, इन्हें कैसे यूज करना है. बी, इस वर्ब को तो आप जानते हैं, बहुत ही बेसिक वर्ब है, और जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो तो सबसे पहले इसी वर्ब से शुरू करते हो, जो है टू बी. इटसेल्फ एक वर्ब है और इसके फॉर्म्स है अलग अलग, एम, इज, आर, वॉज, वर, पास्ट में, ये इसके फॉर्म्स है. ये एक इररेगुलर वर्ब है और जनरली हम इसे प्रेपोजिशंस के साथ यूज करते हैं. और जो बी और बीन और बीइंग है, ये इसी के फॉर्म्स है, बीन और बीइंग. और आज इन दो वर्ब्स को हम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है कॉन्वर्सेशन में. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बीन, बीन को कैसे यूज करना है. सबसे पहले यूज जो होता है बीन का, टू आउटलाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब भी हमें बतानी है, तब हम बीन का यूज करते हैं. हम सेंटेंसेस देखेंगे. सेकेंड, इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट एंड नॉट प्रेजेंट. तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कि बीन हमेशा यूज होता है पास्ट में, प्रेजेंट में यूज होता ही नहीं है. मतलब आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गया. बीन मतलब पास्ट की बात करनी है मुझे, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है. चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. राहुल हैज बीन लेट टू द क्लास टुडे. राहुल हैज बीन लेट टू द क्लास टुडे. हम बात कर रहे हैं पास्ट की, क्लास में ऑलरेडी आ चुका है, पर क्या आया है? लेट आया है, राइट? और इट इज आउटलाइनिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट राहुल. राहुल यहां पे सब्जेक्ट है. राहुल हैज कम, हैज बीन लेट टू द क्लास टुडे. आई होप दैट्स क्लियर. एक और सेंटेंस देखते हैं. शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक. अगेन, वो लास्ट वीक सिंगापुर गई थी. शी हैड बीन, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, एक एक्शन जो पास्ट में
खत्म हुआ है, राइट? सो इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस. शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक. वो जा चुकी है, जाके रिटर्न आई है. शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक. सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू यूज बीन टू आउटलाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. एंड बीन इज ऑलवेज ऑलवेज यूज इन द पास्ट. आई होप दैट्स क्लियर. अब समझते हैं बींग. बींग यूज होता है ongoing action के लिए. इसका मतलब present में use होता है, पर ongoing action के लिए मतलब continuous tenses के साथ use होता है. It shows the state, किसी की स्थिति बताने के लिए भी being का use हम करते हैं. कैसे? हम examples देखते हैं. जैसे ये दो examples हमने देखे थे. Rahul has been to late to the class today. ये हमने पहले देखा था been के साथ, right? She had been to Singapore लास्ट वीक. ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने देखे. पर मैं अगर मैं कहूं राहुल हैज बीन लेट टू द क्लास टूडे, ही इज बीइंग केयरलेस. वो गैर जिम्मेदार हो रहा है. ही इज बीइंग केयरलेस. सो ही इज शोइंग एन ऑनगोइंग एक्शन. इट इज ऑल्सो शोइंग हिज स्टेट कि वो गैर जिम्मेदार है. उसकी स्थिति, वो ध्यान नहीं दे रहा है या गैर जिम्मेदार हो रहा है, राइट? ही इज बीइंग केयरलेस. क्या कह सकता हूं? ही इज बीन केयरलेस. ही इज बीन केयरलेस, पास्ट की बात खत्म हो जाएगी. पर मुझे यह बताना कि वो गैर जिम्मेदार है या उसका बर्ताव ऐसा है कि वो गैर जिम्मेदारी से बर्ताव कर रहा है. ही इज बीइंग केयरलेस. तो यहां पर यह क्या बता रहा है? सडन चेंज इन बिहेवियर. यहां पर बीइंग यूज हुआ है एक बिहेवियर चेंज बताने के लिए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट में. She had been to Singapore. हमने been देखा last week, but because of being ill, she wasn't able to. She is being ill. अभी भी बीमार है. Ongoing action. Plus उसकी state दिखा रहा है, उसकी स्थिति दिखा रहा है कि वो बीमार है. तो she had been to Singapore last week, but because of being ill, क्योंकि वो बीमार है, अभी भी चल रही है बीमार, शी वॉजंट एबल टू, वो जा नहीं पाई. तो इट इज शोइंग द स्टेट. सो दिस इज हाउ यू यूज बीइंग. अभी इन सेंटेंसेस में हमने बीन और बीइंग दोनों को यूज किया ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आए. तो यहां पर इस सेंटेंस में हमें बीइंग हमने यूज किया है उसकी प्रेजेंट कंडीशन या इन स्टेट बताने के लिए यूज किया है. आई होप दिस इज क्लियर. तो चलिए अभी हम काम करते हैं बीन और बीइंग, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं. मैं आपको एक टेबल देता हूं, कंपैरिजन टेबल, जिससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी, राइट? हम कंपेयर करेंगे बीन और बीइंग को. तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं. बीन बी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है. इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द बी वर्ब, पास्ट में यूज होता है. और बीइंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है. बहुत सिंपल है. बीन को हम हमेशा पास्ट में यूज करोगे और बीइंग को प्रेजेंट में यूज करोगे. इतना बस आप ध्यान में रखिए. सेकंड, इसका यूज कहां होता है? हम बीन को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए, टू यूज टू मेक परफेक्ट टेंसेस. जबकि बीइंग भी यूज होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, पर यह यूज होता है कंटिन्यूस टेंसेस बनाने के लिए और यह यूज होता है परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए. तो जब भी आपको परफेक्ट टेंसेस बनाना है, बीइंग लगाना है. कंटिन्यूअस टेंसेस में बीइंग लगाना है. समझने में बहुत आसान है. यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बीइंग को हमेशा यूज करोगे हैव, हैज और हैड. इस चीज को दिमाग में आप नोट कर लो. हैव, हैज और हैड इसी के साथ यूज करोगे. और बीइंग को यूज करोगे इज, एम, आर, वॉज और वर के साथ. यह चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, राइट? बीन विथ हैव, हैज, हैड, बीइंग विद ing, is, am, are, was or were के साथ. आई होप दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, विथ prepositions, been हम नहीं यूज कर सकते हैं prepositions के साथ. ऐसे sentences में जहां पर been है prepositions नहीं आएंगे, और being में हम कर सकते हैं. examples देखते हैं ताकि ये जो rules है ये कैसे apply होते हैं ये आपके समझ में आएगा. I have been working here for a long time. I have been working here for a long time. एक perfect tense है. It's a present perfect tense.
आई हैव बीन वर्किंग, मैं अभी भी काम कर रहा हूं, बट आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. द न्यू बॉस इज बीइंग रूड. एक इंसान है जो कह रहा है कि मैं यहां पे काफी टाइम से काम कर रहा हूं, पर जो नया बॉस है ना, ही इज वेरी रूड, ही इज बीइंग रूड. कंटिन्यूस टेंस में यूज हुआ है, वो काफी रूड है, उसकी रूडनेस खत्म नहीं हुई है. ही इज बीइंग रूड. आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस ऑन हाउ टू यूज इट करेक्टली. श्रुति हैज बीन टू सिंगापुर मेनी टाइम्स. श्रुति हैज बीन टू सिंगापुर मेनी टाइम्स. दिस इज अगेन परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस, वो जाके रिटर्न आ चुकी है, राइट? पर यहां पर क्या है, शी इज बीइंग मोर केयरफुल दिस टाइम ड्यू टू COVID-19. वो फिर से जा रही है, पर इस टाइम क्या है, शी इज बीइंग मोर केयरफुल. अगेन इट्स अ कंटिन्यूअस एक्शन बिकॉज ऑफ COVID-19. ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज प्रॉपरली करके, मास्क पहन के, शी इज बीइंग वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ COVID-19. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. अगेन इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. एक टाइम से इस टाइम तक मैं तुम्हारे लिए रुका रहा, आधे घंटे से रुका हूँ, होता है, हम जनरली कहते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. बहुत बार गलती होती है, लोग कहते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, विच इज रॉन्ग. यहाँ पे हमेशा बीन आएगा. बीइंग लेट, आई डिडंट एंजॉय द मूवी. क्योंकि मैं लेट आया, बीइंग लेट, आई डिडंट एंजॉय द मूवी. आई होप आपको इसे कहाँ यूज करना है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये एग्जैक्टली समझ में आए हैं. तीन मेजर, तीन चीज़ों, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है खास. इसे हमेशा पास्ट में यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंसेस के साथ, बीइंग को यूज़ करेंगे कंटिन्यूस टेंसेस के साथ, हैव हैज हैड के साथ यूज़ होगा बीन, और इज एम आर वॉज एम वर के साथ यूज़ होगा बीइंग. बहुत सिंपल है समझने में, राइट? अभी कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. सबसे पहले हम बीन के साथ देखते हैं. किरण हैज बीन माई रूम मेट फॉर ईयर्स. पास्ट की बात है. हैज बीन माई रूम मेट फॉर ईयर्स. वी ऑल हैव बीन इनडोर सिंस द पैंडेमिक. जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, COVID-19 शुरू हुआ है, हम सब घर के अंदर है. वी हैव बीन इनडोर सिंस द पैंडेमिक. हैव यू बीन टू लंडन. हैव यू बीन टू लंडन, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. क्या तुम लंडन कभी गए हो? हैव यू बीन टू लंडन. आई होप दिस इज क्लियर. बीइंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. राहुल डजंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग. राहुल को पसंद नहीं है कि कोई उसे वेट कराए या उसे कोई वेट करने के लिए कहे, ये राहुल को पसंद नहीं. राहुल डजंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग. रिया इज बीइंग एरोगेंट. रिया इज बीइंग एरोगेंट. काफी बदतमीज हो रही है या घमंडी हो रही है. शी इज बीइंग एरोगेंट. बीइंग एरोगेंट. Everyone is being careful even though the lockdown is lifted. भले lockdown lift हुआ है, सब कुछ चालू है, फिर भी सब लोग बहुत careful है. Everyone is being careful. It's a continuous action. Being careful. दोस्तों आज हम समझेंगे have had और has had को English में कैसे use करते हैं. क्या आप इन्हें English में use कर सकते हैं? In fact मैंने कुछ दिन पहले कमेंट्स पढ़े थे और वहां पर कुछ लोगों ने लिखा था कि आपने हैव हैड को एक साथ में एक सेंटेंस में कैसे यूज किया, आप कर ही नहीं सकते, ग्रामेटिकली रॉन्ग है. मैं बता दूं, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है. आप हैव और हैड को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, पर इन्हें यूज करने का क्या सही तरीका है, यह हमें समझना जरूरी है. यहां पर है तीन सेंटेंसेस. आई हैव बीन हैविंग अ बिजी डे. आई हैड अ बिजी डे. I have had a very busy day. तीन अलग अलग sentences है. ये बताने के लिए कि मेरा अभी तक का दिन बहुत ही busy रहा है, बहुत ही व्यस्त रहा है. इनमें से कौन सा sentence सही होगा? I have been having a busy day नहीं होगा, ये गलत होगा. I had a busy day sentence सही है, पर यह भी नहीं होगा. Correct sentence, सही sentence ये होगा. पर वो क्यों होगा, वो मैं आपको लेसन के एंड में बताऊंगा. सबसे पहले हम समझेंगे कि हम हैव हैड को बनाते कैसे, ये आता कहां से है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. ठीक है, यहां पर ईट क्या है, ईट एक मेन वर्ब है, मैं हर सुबह ब्रेकफास्ट खाता हूं.
समझो मैं लिखूं कि आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, क्या ये सेंटेंस गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है. मैंने क्या किया है, ईट को हैव से रिप्लेस कर दिया है, और ये दोनों सेंटेंसेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. क्लियर? अभी समझ लीजिए, मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूं और उतने में मेरे फ्रेंड का फोन आया, मुझे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं कहूंगा आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यूस एक्शन है, मैंने खाना खत्म नहीं किया, अभी भी खा रहा हूं. ईटिंग, तो मैंने क्या किया, मेन वर्ब के आगे आईएनजी लगा दिया. तो क्या मैं कह सकता हूं आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट? सिमिलरली मैंने हैव के आगे आईएनजी लगा दिया, ये भी बिल्कुल सही है, और ये सेंटेंसेस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि एक एक्शन जारी है, खाने की एक्शन जो मेरी है वो जारी है, अभी भी चल रही है. क्लियर? पर एक चीज आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है, वो है यूज ऑफ हैव. हैव हम यूज करते हैं पजेशंस के लिए, मतलब जैसे ये पेन है, सो आई हैव अ पेन, पेन एक पजेशन है, मेरे पजेशन में है. या आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ बैग, पजेशन है, जैसे हम कहते हैं आई हैव अ पेन. ओके, पर क्या मैं कह सकता हूं आई एम हैविंग अ पेन? ये गलत होगा. आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आई एम हैविंग अ पेन, मतलब आप आईएनजी कभी भी नहीं लगाएंगे ये कहने के लिए कि आपके पोजेशन में है, या ये पोजेशन है ये दिखाने के लिए आईएनजी कभी भी यूज नहीं होता है. आप ये नहीं कहेंगे आई एम हैविंग अ पेन इन माय बैग, ये गलत होगा. या आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ हाउस, आई एम हैविंग अ फ्लैट, आई एम हैविंग एन एप्पल इन माय बैग, ये सारे सेंटेंसेस गलत होंगे. पोजेशन के लिए जब आप हैव का यूज करते हो तो उसके आगे कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा, ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लो. क्लियर? चलिए बढ़ते आगे. अभी समझ लीजिए कि मेरा ब्रेकफास्ट खा के हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, आई ईटन माय ब्रेकफास्ट. ईट का पास्ट पार्टिसिपल है ईटन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. बट आई ईटन माय ब्रेकफास्ट सेंटेंस सही नहीं है, मुझे यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है. वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, आई हैव ईटन माय ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है. आई होप दिस इज क्लियर. यहां पर क्या आएगा, हैव का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, हैड. क्लियर? तो मैं कह सकता हूं आई हैड माय ब्रेकफास्ट, सेंटेंस बिल्कुल सही है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है आई हैड माय ब्रेकफास्ट. पर ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव ईटन माय ब्रेकफास्ट, पास्ट में एक एक्शन खत्म हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट टेंस है. अगर मुझे इसे भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो मुझे यहां पर भी एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी जो है हैव. जैसे मैंने यहां पर हैव लगाया, मैं यहां पर भी हैव लगा दूंगा और मुझे मिल जाएगा हैव हैड. आपको समझा मैंने क्या किया, सबसे पहले बेस वर्ब ईट, ईट को मैंने यहां पर रिप्लेस किया हैव. आई ईट ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट. ईट का पास्ट पार्टिसिपल ईटन, ठीक है, आई उसके आगे मैंने एक हेल्पिंग वर्ब लगाया आई हैव ईटन. सिमिलरली हैव का पास्ट पार्टिसिपल है हैड, मैंने उसके आगे एक हैव लगा दिया, आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट. तो इस तरह से हमें मिलता है हमारा हैव हैड, जो हम यूज करते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई होप यहां तक क्लियर है. अभी हम समझते हैं कि हम हैव हैड को सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे. शी हैज हैड अ हेडेक सिंस यस्टरडे, सेंटेंस का क्या मतलब है कि उसे कल से हेडेक है, उसका कल से सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है. हैज हैड, मैंने यहां पर हैज लगाया है क्योंकि आई यू वी दे के साथ हम हैव लगाते हैं और ही शी इट के साथ हम हैज लगाते हैं. ये बेसिक रूल्स है, अगर आपको ये नहीं पता तो हमने इस बारे में भी लेसन्स किए हैं हैव हैज और हैड के बारे में, वो आप जरूर देखिए, राइट? तो शी हैज हैड अ हेडेक सिंस यस्टरडे.
मुझे ये बताना है कि कल से उसका सिर दुख रहा है। वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। गलती कहां होती है? आप कहते हो शी हैज बीन हैविंग अ हेडेक सिंस यस्टरडे, पर हमने क्या सीखा था कि पजेशन के लिए हम हैव के आगे आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो ये कहना कि शी हैज बीन हैविंग अ हेडेक, ये गलत होगा, ये गलत सेंटेंस होगा। क्या मैं कह सकता हूं शी हैज अ हेडेक सिंस यस्टरडे? शी हैज अ हेडेक सिंस यस्टरडे, शी हैज अ हेडेक, ठीक है, इट्स अ प्रेजेंट, बट शी हैज अ हेडेक सिंस यस्टरडे, वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं बता रहा है। तो यहां पर हैज भी नहीं आएगा, तो मैं क्या लगाऊंगा? शी हैज हैड अ हेडेक सिंस यस्टरडे। तो यहां पर मैं उसे यूज कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं हैव हैड, और हैविंग इसलिए नहीं यूज कर सकता हूं क्योंकि वो पोजेशन बताता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वी हैव हैड दिस कार फॉर 4 इयर्स, हमारे पास ये गाड़ी 4 साल से है, अभी भी है। क्या मैंने बेची है? नहीं बेची है। आई हैव हैड, क्या मैं ये कह सकता हूं वी हैव बीन हैविंग दिस कार फॉर 4 इयर्स? गलत होगा। कार एक पोजेशन है आपका, लाइक आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार नहीं कह सकते। सिमिलरली वी हैव बीन हैविंग अ कार हम नहीं कह सकते, आप यूज करोगे हैव हैड। आई होप दिस इज क्लियर। आई हैव हैड 3 ऑफ्स दिस वीक, इस हफ्ते मेरी 3 छुट्टियां, हमें 3 छुट्टियां मिली है। ये हफ्ता अभी भी चल रहा है, हफ्ता खत्म नहीं हुआ है। I have had, ये नहीं कह सकता हूं कि I have been having 3 offs this week, वो गलत होगा। या we had 3 offs this week, वो भी गलत होगा। अगर आप कहो कि we had 3 offs this week, इसका मतलब ये हफ्ता खत्म हो चुका है, नए हफ्ते में आप जा चुके हैं, तो सही होगा I have had 3 offs this week। They have had 4 meetings this month, समझ लीजिए मंथ है दिसंबर, मंथ अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, तो आप यूज कर रहे हो हैव हैड यही दिखाने के लिए कि अभी तक हुई है, शायद और मीटिंग्स आगे हो सकती है, तो आप इसे यूज कर रहे हो इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे मैंने बताया था कि एंड में बताऊंगा इन 3 सेंटेंसेस में ये क्यों गलत है, आपने ये तो समझ लिया कि क्यों गलत है, क्योंकि पोजेशन के लिए हम आईएनजी हैव के आगे आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर हम सिर्फ हैड लगाएंगे तो हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, हमें दिखाना है कि कोई चीज जारी है। आई हैव हैड अ वेरी बिजी डे, दिन अभी तक चालू है और अभी तक मेरा दिन बिजी रहा है, तो ये होगा सही सेंटेंस, राइट? तो यहां पर कुछ 3 सेंटेंसेस है, हिंदी में लिखे हैं, उनके पास वह घर 10 सालों से है। आपने सिमिलर सेंटेंस देखा था कार के लिए। इस महीने उसने स्कूल में अब तक 4 प्रेजेंटेशंस दिए हैं। उसे 4 सालों से हार्ट की प्रॉब्लम है, सारे एक्शंस अभी भी जारी है। आपको एक काम करना है, आपको इन 3 सेंटेंसेस को हैव हैड की मदद से इंग्लिश में बनाकर मुझे कमेंट्स में नीचे लिखकर बताना है। कर सकते हैं आप? I'm sure आप कर सकते हैं। अभी कोई एक्शन जो पास्ट में होती रही, एक लंबे समय तक होती रही और पास्ट में ही खत्म हो गई, ऐसे इवेंट या ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में कौन से टेंस के साथ डिस्क्राइब करेंगे? तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इंग्लिश लर्नर्स अक्सर इस टेंस को यूज करते वक्त गलती करते हैं, क्योंकि हम इस टेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं हैड बीन, और आज हम यही समझेंगे कि हैड बीन को कॉन्वर्सेशंस में कैसे यूज किया जाए। क्योंकि जब भी आप बातचीत करोगे तब आप ग्रामर की बुक लेके अपना कॉन्वर्सेशन तो नहीं करोगे या बातचीत नहीं करोगे, आपको तुरंत याद आना बहुत जरूरी है, और आज हम यही सीखेंगे, दैट इज वी विल लर्न फंक्शनल ग्रामर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, जहां हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को
कैसे यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम समझेंगे कि हैड बीन को कैसे यूज किया जाए, और हैड बीन यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर एक लड़की है, ओके, वो इंग्लिश पढ़ रही थी, और कब तक पढ़ रही थी? जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंची, राइट? वो दिल्ली आई है, दिल्ली का इंडिया गेट है। दो एक्शंस है, इंग्लिश पढ़ रही थी और वो दिल्ली आ चुकी है, और इस बारे में मैं अभी प्रेजेंट में बता रहा हूं, राइट? सेंटेंस कैसे बनेगा? शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years बिफोर शी वेंट टू दिल्ली। दिल्ली जाने के पहले से, 2 साल पहले से वो इंग्लिश पढ़ रही थी। आपको एक चीज का यहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक एक्शन है जो लगातार हो रही थी, और ऐसी एक्शंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं हैड बीन, हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप यूज करोगे हैड बीन प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं हैड बीन के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, राइट? और उसके बाद का जो एक्शन मुझे बताना है उसके लिए मैं यूज करूंगा सिंपल पास्ट टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप परफेक्टली समझ जाओ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज करते हैं। यह है करण, और करण 6 घंटे पहले अपने घर के लिए निकला, ट्रैफिक बहुत था, 6 घंटे बाद वो घर पहुंचा, और उस बारे में मुझे अभी बताना है। तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? बाय द टाइम करण अराइव्ड होम ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर 6 hours, राइट? जब तक करण घर पहुंचा वो 6 घंटे लगातार गाड़ी चला रहा था, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अगेन ही हैड बीन ड्राइविंग, हैड प्लस बीन प्लस द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सिंपल पास्ट का एक वर्ब यहां पर यूज हुआ है, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए समझते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है। हम पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड बीन, उसके बाद आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस। ही हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, हमने सबसे पहले एग्जांपल में देखा था। बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको कोई बात बतानी हो जो पास्ट में लगातार चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है, और उसके बाद एक और एक्शन हुआ, तब आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक और बात, हैड बीन कभी भी सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पिछले लेसन में देखा था कि हैड सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता है, सिमिलरली हैड बीन कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो, दे हो, वो हैड बीन ही रहेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। शी डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार बिकॉज हर ओल्ड वन हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर वीक्स। 2 हफ्तों से उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी, या ज्यादा हफ्तों से उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी, तो उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि वो नई गाड़ी लेगी। दोनों एक्शन है, पर एक एक्शन लगातार चल रहा था, गाड़ी खराब थी, और सेकेंड एक्शन उसने डिसाइड कर लिया। क्लियर? आई डिसाइडेड टू डू अ कोविड टेस्ट आफ्टर आई हैड बीन फीलिंग अनवेल फॉर अ फ्यू डेज। और हकीकत बात है, आई डिड माई कोविड टेस्ट, नेगेटिव आया, बट अगेन मैं लगातार बीमार था, कॉफ था, ऑलमोस्ट लाइक 5-6 दिन में बीमार था, और इसीलिए मैंने क्या किया, डिसाइड किया, कोविड टेस्ट कर लिया। दोनों एक्शंस खत्म हो चुकी है, पर एक एक्शन लगातार चल रही थी, मैं बीमार चल रहा था। क्लियर? आई हैड बीन एक्सरसाइजिंग अंटिल आई ब्रोक माई लेग। मैं एक्सरसाइज कर रहा था कई हफ्तों से, अंटिल मेरी टांग में एक फ्रैक्चर हुआ, टांग टूट गया, अंटिल आई ब्रोक माई लेग। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर 2 इमेजेस है, एक
जो करण 2 घंटे पहले ऑफिस से निकला, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं, और दूसरी इमेज में करण अगेन 2 घंटे पहले ऑफिस से निकला, वो घर पहुंच चुका है, और उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं, राइट? ये मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं कि वो घर पहुंच चुका है, और ये मैं थोड़ी देर के बाद, मतलब 2 पास्ट की एक्टिविटीज में बता रहा हूं। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? आई एम रियली टायर्ड, आई हैव बिन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स। करण कहता है कि मैं वाकई थक गया हूं, आई हैव बिन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स। वो घर बस पहुंचा और अपनी वाइफ से बोल रहा हूं, आई एम रियली टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूं क्योंकि मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूं। पर अगर वो घर पहुंचा और उसकी वाइफ कहीं बाहर गई थी और वो फिर आई और फिर अगर उसे बता रहा है, तो वो कहेगा आई वॉज रियली टायर्ड, आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स। यहां पर हमने यूज किया है हैव बीन और यहां पर हमने यूज किया है हैड बीन। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जो पहला सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, क्योंकि वो एक एक्शन को उस समय बता रहा है, उसमें वो क्या फील कर रहा है वो बता रहा है, और क्यों फील कर रहा है, जो पास्ट में एक्शन हुई उस वजह से फील कर रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब भी आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो और जो चीज लगातार हो रही थी। और सेकंड में अगर आप देखो तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों एक्शंस खत्म हो चुकी है, राइट? जनरली ये गलती होती है कि हम हैव बीन की जगह हैड बीन यूज कर देते हैं। आई एम रियली टायर्ड, आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स, वो गलत होगा। आई वॉज रियली टायर्ड, ठीक है, दिस इज द वर्ब, आई एम रियली टायर्ड प्रेजेंट में है, आई वॉज सिंपल पास्ट में है। तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, हैव बीन कहां यूज करना है और हैड बीन कहां यूज करना है। दोस्तों हमेशा की तरह अब बारी है एक क्विज की, और ये क्विज काफी इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं कि इसके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखिए, राइट? यहां पर अगर आप देखो कुछ सेंटेंसेस है जहां पर उनको नंबर दिया है 1, 2, 3, 4 और 5, और यहां पर है ए बी सी डी और ई, और दोनों सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है। आपको फर्स्ट कॉलम के सेंटेंसेस को सेकेंड कॉलम के सेंटेंसेस से मैच कर पूरा सेंटेंस बनाना है। चलिए पहला हम खुद सॉल्व करते हैं। द फ्लोर वॉज सोकिंग वेट, फ्लोर काफी गिली थी, वाई? बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। मतलब फर्स्ट का आंसर है 1 सी। तो आपको यही करना है, 2 के आगे ए बी सी डी ई जो भी आपको सही आंसर लगे वो लिखना है, 3 जो भी रहेगा वो आपको कॉमेंट्स में मुझे लिखकर बताना है। आज के इस लेसन में हम कुछ कंफ्यूजन दूर करेंगे, वो भी विल और शैल इन दो वर्ड्स के बीच में। ये दो वर्ड्स काफी कंफ्यूजिंग है, इनफैक्ट बिगनर्स भी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, एडवांस्ड स्पीकर्स भी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। विल कहां यूज करना है, शैल कहां यूज करना है, ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू द ऑफिस टुमारो या फिर ही शैल गो टू द ऑफिस टुमारो, कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है? आप में से कई कहोगे कि दोनों सेंटेंसेस सही है, कहीं लोग कहेंगे कि शैल यूज करना चाहिए, कहीं लोग कहेंगे विल यूज करना चाहिए। बस इसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में एक बहुत ही मजेदार क्विज है जिससे विल और शैल को कैसे यूज करना है इसका कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स को रेकमेंड कर पाए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल भी दबाइए ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत, जहां पर हम सीखेंगे when to use will and when to use shall। तो चलिए आज कंफ्यूजन दूर करेंगे विल और शैल के बीच का। ये मेरी दोस्त है रिया और मैं आपको रिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। रिया वर्क्स ऑनलाइन एवरी डे, शी इज ऑलवेज ऑनलाइन फ्रॉम 8:30 अंटिल 5:30 PM। रिया ऑनलाइन काम करती है और वो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन रहती है, राइट? तो यहां पे कुछ सेंटेंसेस है। इट्स 11 o'clock नाउ, रिया इज एट वर्क। मुझसे किसी ने पूछा रिया कहां पर है, मैंने कहा रिया इज एट वर्क। ओके,
एट 11 o'clock yesterday, रिया वॉज एट वर्क. अगर मुझसे किसी ने पूछा कि कल रिया कहां थी, मैं कहूंगा रिया वॉज एट वर्क. और अगर मुझसे कोई पूछता है कि रिया कल कहां होगी, मतलब टुमारो वेयर शी विल बी, तो मैं कहूंगा रिया विल बी एट वर्क. सबसे पहला सेंटेंस है प्रेजेंट, सेकेंड सेंटेंस है पास्ट में, और थर्ड सेंटेंस है फ्यूचर में. और थर्ड सेंटेंस में हमने यूज किया है विल बी. तो ये बहुत ही आसान है. जब भी आपको फ्यूचर के बारे में बात करनी है तब हम यूज करते हैं विल. पर इसे यूज करने का कुछ स्ट्रक्चर्स है. इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है. चलिए वही समझते हैं. सबसे पहले आएगा विल, और विल के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा होगा इन्फिनिटिव फॉर्म में या फिर बेस फॉर्म में होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल बी, विन, कम, गेट, राइट. तो ये हमेशा याद रखिए, विल के बाद जो भी वर्ब आएगा वो होगा बेस फॉर्म में या उसके इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा. इस बात का खास ध्यान रखिए. अब हम समझते हैं कि विल को अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं विल. या फिर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम यूज करेंगे विल नॉट. बहुत सिंपल है. और उसके आगे आएगा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है बी, विन, ईट, कम. नाउ एक चीज का यहां पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जब भी हम बात करते हैं तब हम इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं. सब्जेक्ट्स के साथ विल कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल और आइल. जब भी बातचीत करते हैं तो हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं. और आपको भी करना चाहिए अगर आप नहीं करते हो, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश काफी फ्लूंट साउंड करेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आइल या वील, राइट, वील गो देयर या आइल गो देयर, राइट, या वोंट होगा ही वोंट डू इट. इस तरह से हम यूज करते हैं, राइट. इन कॉन्वर्सेशंस वी मोस्टली यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. चलिए बढ़ते आगे. आप समझते हैं कि विल को क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है. बहुत ही सिंपल है. आपको सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होगा और विल को बस इंटरचेंज कर देना है कुछ ऐसे. विल पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और उसके बाद आएगा वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल विल यू बी देयर एट होम, राइट. विल यू बी देयर एट होम, विल यू बी देयर एट होम, और उसके आगे मैं लगाऊंगा एक सिंपल क्वेश्चन मार्क. बस दैट्स ऑल. तो ये थे सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से आप विल को पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि विल को अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है. जनरली हम विल के साथ टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन वर्ड्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम विल को यूज करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए. ये एक मेरा दोस्त है, इसका नाम है महेश, और महेश काफी ट्रैवल करता है, राइट. महेश बहुत ट्रैवल करता है. आज वह मुंबई में है, कल वह दिल्ली में होगा, अगले हफ्ते वह जयपुर में होगा. ये महेश के बारे में था. इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? महेश बहुत ट्रैवल करता है. महेश ट्रैवल्स अ लॉट. आज वह मुंबई में है, टुडे ही इज इन मुंबई. कल वो दिल्ली में होगा, टुमारो हील बी इन दिल्ली. अगले हफ्ते वो जयपुर में होगा, नेक्स्ट वीक ही विल बी इन जयपुर या हील बी इन जयपुर. मैंने इस सेंटेंस में इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया है ही के साथ, ठीक है. अब सवाल ये बनता है कि क्या हम यहां पर शैल को यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते है? आपको क्या लगता है, क्या हम ही विल को शैल से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, इस सेंटेंस में हम शैल यूज नहीं कर सकते. और वो क्यों नहीं यूज कर सकते ये समझते हैं. आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इन सारे सब्जेक्ट्स में से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हम सिर्फ शैल को आई और वी के साथ यूज कर सकते हैं. यू, दे, ही, शी और इट के साथ यूज नहीं कर सकते. वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है. अगर मैं कहूं कि टुमारो आई विल बी इन दिल्ली, यहां पर मैं शैल यूज कर सकता हूं. टुमारो आई शैल बी इन दिल्ली मैं कह सकता हूं, पर यू, दे, ही, शी, इट के साथ यूज नहीं कर सकते. और ये एक कॉमन गलती है इंग्लिश में जो अक्सर होती है.
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तुम मुझे शाम को फोन कर सकते हो, मैं फ्री रहूंगा, रहूंगा, राइट। यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, आई विल बी फ्री। यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, आई विल बी फ्री। यहां पे भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हुआ है। राम डिनर में पिज्जा खाएगा, राम डिनर में पिज्जा खाएगा। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? राम विल ईट पिज्जा फॉर डिनर, राम विल ईट पिज्जा फॉर डिनर। अगर आप यहां पे देखो, यहां पे हमने बी वर्ब यूज किया है और यहां पे हमने ईट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज किया है। क्या हम इन दोनों सेंटेंसेस में शैल यूज कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं आई शैल बी फ्री या फिर राम शैल ईट पिज्जा फॉर डिनर? सेकेंड सेंटेंस में हम शैल को यूज नहीं कर सकते हैं, हम नाम के साथ, जब भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाम है किसी का, तभी भी हम शैल यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम आई और वी इन दो सब्जेक्ट्स के साथ ही शैल को यूज कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। अब समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। मैं अगले महीने यहां नहीं रहूंगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वोंट बी हियर नेक्स्ट मंथ। वोंट है विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, आई विल नॉट बी हियर नेक्स्ट मंथ या फिर आई वोंट बी हियर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए आईफोन नहीं खरीदूंगा, आई वोंट बाय यू एन आईफोन, राइट। क्या हम यहां पर शैल नॉट यूज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, और इसका कॉन्ट्रैक्शन है शैंट, शैंट। ये बहुत कम यूज होता है इंग्लिश में, हम नहीं कहते शैंट, हम जनरली यूज करते हैं शैल नॉट, पर जरूर यूज करना शुरू कीजिए, इसका कॉन्ट्रैक्शन है शैंट। क्या हम यहां पर कह सकते हैं शैंट बाय? जरूर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज आई। सो आई शैंट बाय यू एन आईफोन। अब समझते हैं कि विल को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। क्या तुम शाम को घर पर रहोगे? विल यू बी एट होम दिस इवनिंग? क्या राम डिनर में पिज्जा खाएगा? विल राम ईट पिज्जा फॉर डिनर? मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट और विल को इंटरचेंज किया है दोनों सेंटेंसेस में। क्या हम यहां पर शैल यूज कर सकते हैं? शैल यू बी एट होम दिस इवनिंग या शैल राम ईट पिज्जा फॉर डिनर? दोस्तों, हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे भी पहले बताया कि हम सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज कर सकते हैं। इसकी जगह हम कह सकते हैं शैल वी बी एट होम दिस इवनिंग। मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या हम शाम को घर पर रहने वाले हैं कि बाहर जाने वाले हैं, शैल वी बी एट होम दिस इवनिंग, या फिर शैल वी ईट पिज्जा फॉर डिनर। पूछ रहा हूं कि शैल वी ईट पिज्जा फॉर डिनर, या ये भी कह सकता हूं शैल आई ईट पिज्जा फॉर डिनर, राइट। सिंपल है। चलिए बढ़ते आगे। स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस है। हम शनिवार को मॉल जाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल गो टू द मॉल ऑन सैटरडे। मैं कल काम नहीं करूंगा, आई वोंट वर्क टुमारो। एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये सेंटेंसेस सही है, या फिर इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दोनों भी सेंटेंसेस गलत है। आप कभी भी नहीं कहोगे वी विल गो टू द मॉल ऑन सैटरडे। अभी आप पूछोगे ऐसा क्यों है, इसकी जगह पर आप कहोगे वी आर गोइंग टू द मॉल ऑन सैटरडे, और आप कहोगे आई एम नॉट वर्किंग टुमारो। ऐसा क्यों है? वी डू नॉट यूज विल फॉर थिंग्स दैट आर अरेंज्ड और डिसाइडेड टू डू। अगर आप पहला सेंटेंस देखो, वी विल गो टू द मॉल ऑन सैटरडे, ये क्या किया है आपने? दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है। जब भी कोई चीज डिसाइड करोगे आप फ्यूचर के लिए, तब आप विल यूज नहीं करोगे, आप आईएनजी वर्ब यूज करोगे, वी आर गोइंग टू द मॉल ऑन सैटरडे। सिमिलरली आई वोंट वर्क टुमारो, ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, या मैंने उस सबसे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, तो इसीलिए मैं विल यूज नहीं करूंगा, मैं वर्ब यूज करूंगा आईएनजी फॉर्म में। इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलती अक्सर होती है इंग्लिश में। तो बस हम लेसन के एंड में पहुंच चुके हैं, और अब है क्विज टाइम। यहां पर है कुछ 5 सवाल। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और इनके जवाब मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, ताकि आपने इस इंग्लिश लेसन में से कितना सीखा है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, उन सबको मिलाकर मैंने ये क्विज बनाई है। आज हम डिफरेंस समझेंगे ईच अदर एंड वन अनदर, यानी कि इनको सही तरीके से इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये आज हम समझेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। यहां पर एक देखो तो एक इमेज है, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का कुछ बॉक्सेस लेके आ रहा है, लड़की कुछ बॉक्सेस लेके आ रही है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये इंग्लिश में कहना है तो मैं कह सकता हूं राहुल हेल्प्स रिया, यानी कि राहुल रिया की हेल्प कर रहा है, या फिर रिया हेल्प्स राहुल, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पर राहुल हेल्प्स रिया, रिया हेल्प्स राहुल, क्या हम नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में इस तरह से बात करते हैं? नहीं। मैं कह सकता हूं राहुल एंड रिया हेल्प ईच अदर, राइट? मुझे बार बार हेल्प हेल्प्स कहने की जरूरत नहीं है, या फिर बार बार राहुल रिया कहने की जरूरत नहीं। मैं कह सकता हूं राहुल एंड रिया हेल्प ईच अदर, राहुल एंड रिया एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्लियर? या फिर राहुल एंड रिया हेल्प वन अनदर, फर्स्ट सेंटेंस में है ईच अदर, सेकेंड में है वन अनदर। इन दोनों फ्रेजेस का मतलब एक ही है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ईच अदर और वन अनदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब अगर आप देखो तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो उसकी मदद कर रहा है, फिर से वो उसकी मदद कर रही है, राइट? तो ये क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। हेल्प देखो, राहुल की हेल्प जा रही है और रिया की हेल्प आ रही है, इट्स अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन द सेम मैनर, यानी कि राहुल भी वही काम कर रहा है, मदद कर रहा है, रिया भी वही काम कर रही है, मदद कर रही है। सो दोनों सब्जेक्ट्स एक ही जैसा काम कर रहे हैं, दे एक्टिंग इन द सेम मैनर। Each person gets the benefit of the action, right? दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मतलब उसकी भी मदद हो रही है, राहुल की भी और रिया की, right? So each other और one other हम तब use करते हैं as a reciprocal pronoun, use करते हैं सबसे पहली बात। और दोनों जब subjects एक ही जैसा कोई काम कर रहे हैं तब हम use करते हैं, और कोई एक action हो रही है उसका benefit जब दोनों को same हो रहा है तभी भी हम each other और one other का use करते हैं, क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। जैसे एग्जांपल में देखो, लड़का लड़की को गिफ्ट दे रहा है, लड़की लड़के को गिफ्ट दे रही है। मार्क एंड सारा गेव ईच अदर गिफ्ट्स, राइट? हमने जैसे पहले सेंटेंस, पहले सेक्शन में हमने सेंटेंस को कंबाइन किया था ईच अदर से, उसी तरह से हमने किया है। मार्क एंड सारा गेव ईच अदर गिफ्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स एक ही मैनर में काम कर रहे हैं, दोनों को बेनिफिट किसी एक्शन का सेम हो रहा है, यानी कि गिफ्ट्स मिल रहे हैं। पर एक डिफरेंस यहां पर है, हम गिफ्ट की जगह यहां पर गिफ्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि हमने ईच अदर यूज किया है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। या फिर कह सकता हूं मार्क एंड सारा गेव वन अनदर गिफ्ट, दोनों भी सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं दे गिफ्टेड ईच अदर, या फिर दे गिफ्टेड वन अनदर। यहां पर हमने क्या किया है, मार्क और सारा को एज अ प्रोनाउन यूज किया है जो है दे, गेव की जगह हमने यूज किया गिफ्ट, हमने पास्ट का वर्ब यूज किया गिफ्टेड ईच अदर, हमने सेंटेंस को और शॉर्ट किया, सिमिलरली दे गिफ्टेड वन अनदर। तो इस तरह से भी आप एक लंबे सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोनाउन एंड यूजिंग द पास्ट वर्ब। अगेन गेव भी एक पास्ट वर्ब है, पर इस पूरे गेव गिफ्ट्स को हमने यूज किया गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब ये होता है गिफ्ट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो लड़कियां हैं, रिया और प्रिया। मैं कह सकता हूं रिया इज टॉकिंग टू प्रिया और प्रिया इज टॉकिंग टू रिया। और आपको पता है इस सेंटेंस को कंबाइन कैसे करना है ईच अदर और वन अनदर के साथ। आप कहोगे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको सबसे पहले यह समझ में आया कि हम ईच अदर और वन अनदर इन दोनों को कहां यूज करते हैं, जब दोनों एक्शंस सेम हो, रेसिप्रोकल एक्शंस हो और दोनों को उसका बेनिफिट हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे। अगेन वी हैव प्रिया एंड रिया। तो प्रिया रिया से पूछती है हाउ इज राहुल,
राहुल शायद रिया का एक फ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, राइट? तो रिया जवाब देती है, ही इज फाइन, वी कॉल ईच अदर रेगुलरली. ही इज फाइन, वी कॉल ईच अदर रेगुलरली. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है, राहुल एंड रिया स्पीक विथ ईच अदर ऑन द फोन रेगुलरली. इस सेंटेंस का मतलब यही है, राइट? चलिए बढ़ते आगे. अभी हम समझते हैं कि हम ईच अदर और वन अनादर को एज अ पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे. पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये पजेसिव एडजेक्टिव हमें तब काम आते हैं जब हमें बताना है कि कोई इंसान कोई चीज को ओन करता है, राइट? यानी ये उसकी उसका है, ये जब बताना हो तब हम यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स. तो ईच अदर और वन अनादर को हम एज अ पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं ये हम समझते हैं. सबसे पहले हमें पता है कि ईच अदर और वन अनादर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, पर इनसे हम पजेसिव एडजेक्टिव बना सकते हैं. जैसे कि ईच अदर्स या वन अनादर्स, अदर के आगे एक एपोस्ट्रफी और एस जब हम लगाते हैं तो ये दोनों वर्ड्स बन जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स. क्लियर? ईच अदर्स या वन अनादर्स. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगेन वी हैव प्रिया एंड रिया, और प्रिया यूजेस रियास कार, यानी कि प्रिया रिया की कार अक्सर यूज करती है, एंड रिया यूजेस प्रियाज कार. दोनों एक्शंस रेसिप्रोकल है और दोनों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, राइट? पर अगर मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंबाइन करके कहना है तो मैं क्या कहूंगा? प्रिया एंड रिया ऑफन यूज ईच अदर्स कार. यहां पर मैंने यूज किया है पजेसिव एडजेक्टिव. प्रिया एंड रिया ऑफन यूज ईच अदर्स कार. क्लियर? तो यहां पर आप पजेसिव एडजेक्टिव को यूज कर सकते हो, मतलब यानी कि वो एक दूसरे की कार अक्सर यूज करती है. या फिर प्रिया एंड रिया ऑफन यूज वन अनादर्स कार. दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है और दोनों भी पजेसिव एडजेक्टिव्स है. आई होप दैट इज क्लियर. अभी कुछ गलतियां होती है जब हम इसे एज अ पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल राहुल एंड रिया हेल्प ईच अदर. एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ईच और अदर ये दो अलग वर्ड्स है, हम इन्हें एज अ वन वर्ड नहीं लिखते. ये मैंने अक्सर देखा है. ईच एंड अदर आर ऑलवेज यूज एज सेपरेट वर्ड्स. राहुल एंड रिया हेल्प ईच अदर्स, यहां पर अदर्स नहीं आता है. राहुल एंड रिया हेल्प वन अनादर्स नहीं आएगा. ये हमेशा इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही है, राइट? तो दोनों सेंटेंसेस गलत है, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म. आई होप दैट इज क्लियर. जब भी आपको बात कर रही हो ना, बहुत सारी चीजों में से एक चीज बतानी हो तो आप कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं? वन ऑफ दी, अ फ्यू ऑफ दी, सम ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, नन ऑफ दी. इन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि बहुत सारी चीजों में से आप कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हो या फिर सिंगल एक चीज के बारे में बात कर रहे हो. पर अक्सर गलती होती है. सेंटेंसेस देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ पायलट या वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर अ पायलट. इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? कंफ्यूज्ड हो तो बस आज का लेसन आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे इन सारे स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करना है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में. अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले. वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स तक पहुंचा सके. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की. तो यहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त है, और अगर आप नोटिस करो उनमें से एक दोस्त है पायलट. और मुझे अगर बताना है कि मेरे इतने सारे दोस्तों में से एक दोस्त पायलट है तो मैं क्या कहूंगा? वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ पायलट. क्या ये सेंटेंस सही है दोस्तों? दोस्तों ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त पायलट है. तो यहां पर मुझे लगाना होगा एस, क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त की बात कर रहा हूं. सो वन ऑफ माई
friends is a pilot and not one of my friend is a pilot. ये गलती अक्सर होती है, इस चीज का ध्यान रखिए. आज हम समझेंगे कि वन ऑफ, अ फ्यू ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, इन स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है. और हम ये स्ट्रक्चर्स अक्सर यूज करते हैं जब भी मैं बताना हो एक क्वांटिटी के बारे में, मतलब उस क्वांटिटी में से कुछ चीजें या बहुत सारी चीजें या थोड़ी चीजें, इन बारे में अगर बताना हो तब हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं. समझ लीजिए मेरे पास किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, और उनमें से कई किताबें मिसिंग है, खो गई है. एक हो सकती है, दो हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है या सारी हो सकती है. और ये चीज़ मुझे किसी को बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा? चलिए समझते हैं. सबसे पहला, एक ही किताब खोई है, वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग. जैसे हमने फ्रेंड्स में देखा था, हम बहुत सारी किताबों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे वन ऑफ माई बुक इज मिसिंग, ये गलत होगा. बहुत सारी किताबों से एक है इसलिए मैंने बुक्स यूज किया है, और यहां मैंने यूज किया इज. अभी आप कहोगे यहां पर बुक्स है फिर नेक्स्ट वर्ब तो आर आना चाहिए ना, जैसे हम लोग कहते दे आर, राइट. बट आपको एक चीज यहां पर नोट करना जरूरी है, और वो है ये जो वर्ब है इज, ये कॉम्प्लीमेंट करता है वन को, ना कि बुक्स को. और यह गलती अक्सर होती है, लोग कहते हैं वन ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग. राइट सेंटेंस इज वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. समझिए दो बुक्स मिसिंग है, या मुझे पता नहीं कि कितनी बुक्स मिसिंग है, तो मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, अ फ्यू ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग. अगर आप नोट करो यहां मैंने यूज किया है आर, और वो क्यों यूज किया है, क्योंकि आर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फ्यू को, और फ्यू एक से ज्यादा है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है. फ्यू ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग, राइट. तो जब भी आपको कहना है एक, हमेशा यूज करना इज, पर एक से अगर ज्यादा है तो जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल में आएगा, और उसके बाद का जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा. सिमिलरली सम ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग, अगेन आर यूज हुआ है, नाउन प्लूरल में है, क्योंकि सम ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, ठीक है, एक से ज्यादा है. मेरी बुक्स में से बहुत ज्यादा बुक्स मिसिंग है, मैं दिखाऊंगा मोस्ट ऑफ माय बुक्स आर मिसिंग, मतलब एक या दो बुक्स को छोड़कर सारी बुक्स गायब है शेल्फ में से, तो मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ माय बुक्स आर मिसिंग, अगेन यूज होगा आर. अगर कोई बुक्स मिसिंग नहीं है तो मैं कहूंगा नन ऑफ माय बुक्स आर मिसिंग. तो अगर ये दोनों सेंटेंसेस में देखो आप, तो आर है वो मोस्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो एक से ज्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं. सिमिलरली यहां पर भी आर, मैं कह रहा हूं कि कोई बुक्स मिसिंग नहीं है, मतलब इतनी सारी बुक्स सारी की सारी वहीं पर है. मैं ज्यादा क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं, जो डेफिनेटली एक से ज्यादा है. अगर मेरी सारी बुक्स गायब है तो कहूंगा ऑल ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग, अगेन एक से ज्यादा है. अगर आपने नोट किया होगा तो बुक एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम वन ऑफ, फ्यू ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ और ऑल ऑफ, इन सारे स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं. आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो है जब भी आप वन ऑफ यूज करोगे, प्लूरल नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर रहेगा, इज रहेगा. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए बढ़ते आगे. अब हम समझते हैं कि वन ऑफ, फ्यू ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ और ऑल ऑफ को अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कैसे यूज करेंगे. यहां पर तीन ग्लास है पानी के, और पानी गंदा है, मेरे घर में पानी आया, टैंक साफ हुई थी, और जो नल में पानी आया शुरू में तो बहुत गंदा आया, और धीरे धीरे काफी साफ पानी आया, और इस बारे में मुझे मेरे घर वालों को बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा. तीन ग्लास है, एक फर्स्ट ग्लास में पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है, फिर थोड़ा साफ हुआ, और फिर साफ पानी आया, मुझे अगर बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा. सबसे पहला सेंटेंस, वन ऑफ द वॉटर इज डर्टी. वन ऑफ द वॉटर इज डर्टी, क्या ये सेंटेंस सही है? दोस्तों वॉटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और वन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं होता है, हम नहीं यूज कर सकते वन ऑफ द वॉटर इज डर्टी, ये गलत सेंटेंस होगा, क्लियर. सिमिलरली अ फ्यू ऑफ द वॉटर इज डर्टी, क्या ये सही है? नो, हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी
few of use नहीं कर सकते? क्या हम some of, most of, none of, all of use कर सकते हैं? Some of the water is dirty, most of the water is dirty, none of the water is dirty, all of the water is dirty. हम uncountable nouns के साथ some of, most of, none of, all of इन सारे structures का use कर सकते हैं except one of or few of. I hope that is clear. पर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा. जबकि आपने देखा होगा काउंटेबल नाउन्स में प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल आता है, पर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा. इस चीज का आपको खास ध्यान रखना जरूरी है. चलिए अभी कुछ मिक्स सेंटेंसेस देखते हैं जो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल नाउन्स इन सेंटेंसेस में है. सबसे पहला सेंटेंस है, वन ऑफ द एप्पल्स इज रॉटन. एप्पल्स क्या है? एप्पल्स एक काउंटेबल नाउन है. मैं बहुत सारे एप्पल्स की बात कर रहा हूं और उसमें से एक एप्पल सड़ चुका है. सो वन ऑफ द एप्पल्स इज रॉटन. नेक्स्ट है, अ फ्यू ऑफ द ऑरेंजेस डैश रॉटन. ये आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है कि कौन सा वर्ब आएगा. और ऑरेंजेस क्या है? ऑरेंजेस एक काउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट, सम ऑफ द ऑरेंज जूस इज सावर. ऑरेंजेस को लेकर मैंने उसका जूस बनाया पर वो जूस क्या निकला? खट्टा निकला. सम ऑफ द ऑरेंज जूस, क्या आप ऑरेंज जूस को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते. ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जो वर्ब यूज हुआ है वो भी एक सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. क्या हम इंफॉर्मेशन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्लियर. और इसीलिए यहां पर वर्ब जो यूज हुआ है वो ही सिंगुलर वर्ब है. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, बहुत सारी जो जानकारी है वो गायब है इस डॉक्यूमेंट में से. सम ऑफ हिज एडवाइस इज गुड, इसका कुछ कुछ जो एडवाइस है ना, राय जो देता है वो सही है. पर क्या आप राय को गिन सकते हो, एडवाइस को गिन सकते हो? आप बिल्कुल नहीं गिन सकते हो. ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है. नन ऑफ द फोन्स आर वर्किंग. फोन्स तो हम गिन सकते हैं, राइट? एक फोन, दो फोन, तीन फोन. तो नन ऑफ द फोन्स आर वर्किंग, इतने सारे फोन्स हैं, किसी में नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई फोन नहीं चल रहा है. नन ऑफ द फोन्स आर वर्किंग, ये भी एक काउंटेबल नाउन है. ऑल ऑफ द राइस इज स्टेल. राइस गिन सकते हैं? दाने गिन सकते हैं? मेरे ख्याल से घंटों लग जाएंगे, राइट? राइस हम नहीं गिन सकते, केजी में गिन सकते हैं, एक केजी, दो केजी, पर वो उसका यूनिट है, ठीक है. सो ऑल ऑफ द राइस इज स्टेल, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइस. मोस्ट ऑफ द मनी डैश स्टोलन फ्रॉम द लॉकर. मनी क्या है? पैसा क्या है? पैसा अनकाउंटेबल नाउन है. आप कहोगे कैसे अनकाउंटेबल नाउन है? पैसा तो हम गिन सकते हो, पर पैसा किससे आप गिनते हो? उसके रुपीज में गिनते हो आप, वन रुपी, टू रुपी, सिमिलरली वन डॉलर, टू डॉलर, उसके यूनिट से गिनते हो. रुपीज आप नहीं गिन सकते, पैसा आप नहीं गिन सकते हो, राइट? सो मोस्ट ऑफ द मनी डैश स्टोलन फ्रॉम द लॉकर, क्या आएगा वो कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए. दोस्तों अब बारी है क्विज की. यहां पर मैंने ऊपर नाउन्स डाले हैं, आपको इन नाउन्स का प्लूरल फॉर्म यूज करना है. सब में प्लूरल नहीं आएगा, किसी में आएगा, किसी में नहीं आएगा. और यहां पर पांच सवाल है और आपको इन पांच सवाल के जवाब मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है. आप कैसे लिखोगे? वन, ये नाउन है. सेकंड, ये नाउन है. थर्ड, ये नाउन है. फोर्थ, फिफ्थ, या फिर पूरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हो. चलिए पहला सॉल्व करते हैं. सम ऑफ दी, क्या आएगा इसमें से? सम ऑफ दी डैश आर इंटरेस्टिंग. सम ऑफ दी बुक्स आर इंटरेस्टिंग. मैं बुक लेता हूं, यहां पर बुक लिखा है, मैंने उसको एस जोड़ के प्लूरल किया है. सम ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग. जल्दी से बाकी का आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए. दिस फोन इज सो गुड, या फिर दिस इज सच अ गुड फोन. इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? सो वाला सेंटेंस या सच वाला सेंटेंस? यानी कि सेंटेंस में सो यूज करें या सच यूज करें? कंफ्यूजन रहती है ना हमेशा ये. बस आज इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे. सो और सच में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे. मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम, सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी. वेलकम टू वन मोर फंक्शनल ग्रामर लेसन. तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम डिफरेंस समझेंगे सो और सच के बीच का, यानी कि इसका डिफरेंस और यूज कैसे इसे करना है ये हम समझेंगे. लेसन शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो, यानी कि अपनी इंग्लिश की फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हो, तो मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जो है बिगनर इंग्लिश कोर्स, और इसे मीरा हमारी ट्रेनर ने प्रेजेंट किया है. ये इस कोर्स के सारे लेसन्स हैं. इस कोर्स में आप बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख पाओगे जिससे आप
बेसिक लेवल पर काफी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। इस वीडियो को जरूर देखिए, इस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है। इस वीडियो में, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये सारी बातें बताई गई है, और यहां पर कुछ सैंपल लेसन्स भी हैं जो आप देख सकते हो, और ये है इस कोर्स के फीचर्स। इस कोर्स को मैंने और मीरा ने मिलकर डिज़ाइन किया है, और काफ़ी सोच समझ कर डिज़ाइन किया है, ताकि आप जो बेसिक लेवल पर परेशानियां फेस करते हो, मुश्किलें फेस करते हो, उसे ध्यान में रखकर इस कोर्स को बनाया गया है। तो अगर आप आपकी बेसिक इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। सबसे पहला सेंटेंस है, लॉन्च वॉज अ सक्सेस। कंपनी है, कंपनी ने अपनी गाड़ी लॉन्च की और उसका एक सक्सेस, एक लॉन्च पार्टी थी। तो कंपनी क्या कह रही है, द लॉन्च वॉज अ सक्सेस, यानी कि लॉन्च कामयाब था। पर अगर कंपनी कहे द लॉन्च वॉज सच अ सक्सेस, क्या इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है? इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब काफी अलग है। सबसे पहला सेंटेंस ध्यान से देखिए, लॉन्च वॉज अ सक्सेस, लॉन्च कामयाब था। लॉन्च वॉज सच अ सक्सेस, लॉन्च बहुत ही ज्यादा कामयाब था। ये डिफरेंस है, कामयाब था, बहुत ज्यादा कामयाब था, ये डिफरेंस है। जब आप सच को यूज करते हैं, तो हम सच क्यों यूज करते हैं? हम सच यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में एम्फसिस डालने के लिए, उसमें उसका वजन बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई चीज बहुत ज्यादा कामयाब थी, राइट? तब हम यूज करेंगे सच। और इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप देखो तो सक्सेस एक नाउन है यहाँ पर, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सच प्लस हम आर्टिकल लगाएंगे ए या एन, वो डिपेंड करेगा आपका नाउन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है अ और उसके आगे नाउन। आई होप दिस इज़ क्लियर, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, समझ लीजिए कि एक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर अगर मैं कहूं इट वॉज सच एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, राइट? लॉजिक तो वही है, सेकेंड सेंटेंस ज्यादा एम्फोसिस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सच यूज किया। पर यहां पर एक डिफरेंस है, हम डेफिनेटली सच को यूज कर रहे हैं एम्फोसिस एड करने के लिए, यानी कि यह बताने के लिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, राइट? ये एक एडजेक्टिव है और एक्सपेरिमेंट एक नाउन है। तो यहां पर हमने सच को एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया है। तो स्ट्रक्चर होगा सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्बिनेशन। यहां पे हमने एन यूज किया है क्योंकि नेक्स्ट वर्ड आई से शुरू हो रहा है जो कि एक वाउल है, तो यहां पर हमने एन यूज किया है, राइट? तो आपने दो स्ट्रक्चर समझे, सबसे पहला एक नाउन के साथ और सेकंड हम सच को यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो हम सच को यूज करते हैं बिफोर अ नाउन या फिर बिफोर अ नाउन एंड एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन के साथ। और क्यों यूज करते हैं? मेन रीजन है एम्फसिस डालने के लिए, ये बताने के लिए कोई चीज बहुत ज्यादा कामयाब थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, बहुत ज्यादा स्वीट थी, बहुत ज्यादा बेकार थी, ये बताने के लिए भी हम सच का यूज कर सकते हैं एम्फसिस डालने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए। क्लियर? अभी हम समझते हैं सो का मतलब। द केमिकल इज डेंजरस, द केमिकल इज सो डेंजरस, मतलब समझने में बहुत आसान है, लॉजिक वही है, केमिकल डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये दोनों सेंटेंसेस का यही डिफरेंस है। अगेन हम सो के साथ इस चीज को इंटेंसिफाई कर रहे, एम्फसिस डाल रहे, तो सो यूज होता है अगेन टू एड एम्फसिस, सेम एज सच, और यहां पर यूज हुआ है एडजेक्टिव के साथ। क्लियर? हम नाउन के साथ यूज नहीं करते, एडजेक्टिव के साथ यूज किया है। और इसका स्ट्रक्चर होगा सो प्लस एडजेक्टिव, इसमें कहीं आर्टिकल नहीं आएगा। द केमिकल इज सो डेंजरस, या फिर कह सकते हो द एप्पल इज सो स्वीट, द मैंगो इज सो स्वीट, शी इज सो क्यूट, राइट? तो सो अगेन इट एड्स एम्फसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सर्जरी वेंट वेल, किसी की सर्जरी चल रही थी, किसने पूछा सर्जरी कैसी हुई, तो उसने कहा सर्जरी वेंट वेल। पर अगर मैं कहूं द सर्जरी वेंट सो वेल, यानी कि सर्जरी बहुत ही ज्यादा कामयाब थी, लॉजिक वही है, अगेन सो एम्फसिस डाल रहा है
पर यहां पर हमने एडवर्ब के साथ यूज किया है, राइट? सो प्लस एडवर्ब. तो आप सच को यूज करते हो नाउन के साथ, सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, पर एंड नाउन एंड एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ. बट सो को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ. आई होप दैट इज क्लियर. तो सो यूज करते हैं हम सो प्लस एडजेक्टिव या सो प्लस एडवर्ब के साथ. और क्यों? सेम प्रिंसिपल टू एड एम्फेसिस. कोई चीज बहुत ज्यादा कामयाब है, सक्सेसफुल है या बहुत डेंजरस है, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं. चलिए बढ़ते आगे. अब हम समझेंगे कि सो मच, सच दैट या सो मच दैट, इन स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करेंगे. ये अक्सर हम हमारी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस बताने के लिए, और इन्हें समझना जानना बहुत जरूरी है. थोड़ी सी ट्रिकी है समझने में, पर चलिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान कर दूंगा इसे समझने में. सबसे पहले शुरुआत करते हैं सो मच से. समझ लीजिए, एक घर है, काफी दिनों से बंद था, और ओनर ने एक हाउसकीपिंग कंपनी को बुलाया साफ करने के लिए. और साफ करने के बाद ओनर आया और ओनर कहता है कि हाउस इज सो क्लीन. अगेन वो एम्फेसिस डाल रहा है, ये हमें पता है कि सो हम यूज करते हैं एम्फेसिस डालने के लिए. पर अगर वो कहे कि हाउस इज मच क्लीनर देन बिफोर, हाउस इज मच क्लीनर देन बिफोर, यहां पर वो क्या कर रहा है? घर पहले से काफी साफ है, यानी कि वो कंपेयर कर रहा है कि पहले गंदा था अभी साफ है. तो यहां पे उसने मच यूज किया है और क्लीनर यूज किया. क्लीनर क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, राइट? तो पहले से साफ है, सो मच क्लीनर. क्या मैं ये कह सकता हूं? डेफिनेटली कह सकते हैं. हम सो और मच को मिलाकर एक सेंटेंस बना सकते हैं, और वो है हाउस इज, द हाउस इज, यहां पर एक इज आएगा, सो मच क्लीनर देन बिफोर. यहां पे देन बिफोर को मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि हम सेंटेंस को यहां पर खत्म कर सकते हैं. द हाउस इज सो मच क्लीनर देन बिफोर. देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सो मच प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव. तो जब भी आपको कोई चीज कंपेयर करनी है पहले से, जैसे पहले गंदा था अब साफ है, पर आपको यह कहना है कि बहुत ही ज्यादा साफ है, तब आप सो मच का यूज करोगे विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव. यहां पर सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहां पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव को यूज करना जरूरी है क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, और उसके पहले आएगा सो मच. सो मच प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव. आई होप दिस इज क्लियर. ये भी कह सकते हो आप, ही इज सो मच हेल्दियर देन बिफोर. वो पहले से काफी ज्यादा हेल्दी है, यानी कि मैंने वर्ड यूज किया हेल्दियर. आई होप दैट इज क्लियर. बढ़ते आगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द वायरस स्प्रेड फास्ट, या फिर मैं कह सकता हूं द वायरस स्प्रेड सो फास्ट. अगर मैं यहां पर एम्फसिस कर रहा हूं, हम जानते हैं कोरोना वायरस कितना जल्दी फैलाता. द वायरस स्प्रेड मच फास्टर. समझ लीजिए कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है. सेकेंड वेव की बात कर रहा हूं क्योंकि सेकेंड वेव बहुत जल्दी फैली थी. तो वायरस स्प्रेड मच फास्टर. अगेन फास्टर क्या है? यहां पर फास्टर एक कंपेरेटिव एडवर्ब है, कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं है. पर अगर मैं यूज करूं सो और मच को, वायरस स्प्रेड सो मच फास्टर. तो यहां पर सो मच प्लस कंपेरेटिव एडवर्ब के साथ यूज हुआ है. तो हम सो मच को कंपेरेटिव एडजेक्टिव या कंपेरेटिव एडवर्ब के साथ यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सो मच प्लस कंपेरेटिव एडवर्ब या कंपेरेटिव एडजेक्टिव. क्लियर? जैसे हमने दो सेंटेंसेस देखे थे, ये द हाउस इज सो मच क्लीनर देन बिफोर, द वायरस स्प्रेड सो मच फास्टर. सबसे पहले में यूज हुआ था कंपेरेटिव एडजेक्टिव, सेकेंड में यूज हुआ था कंपेरेटिव एडवर्ब, और दोनों यूज होते हैं स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालने के लिए जब भी आप कोई चीज को पहले की चीज से कंपेयर कर रहे हो. तो कंपेरिजन के वक्त अगर आपको एम्फेसिस डालना है तो आप यूज करोगे सो मच. आई होप दिस इज क्लियर. नॉर्मल सेंटेंसेज में हम सो यूज कर सकते हैं या मच यूज कर सकते हैं, पर जब कंपेयर करना है और एम्फेसिस डालना है, जोर डालना है, तब आप यूज करोगे सो मच. क्लियर? बढ़ते हैं आगे. अब समझते हैं सच दैट. ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, इसे समझते हैं. सेंटेंस है द मर्डर इज सच अ मिस्ट्री दैट इट्स अनसॉल्व्ड फॉर 2 years. ये मर्डर एक ऐसी पहेली है कि आज 2 साल तक ये सॉल्व नहीं हो पाई है. सबसे पहले हम काम करते हैं कि सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. द मर्डर इज सच अ मिस्ट्री. समझे हमने क्या किया? इसको एम्फसाइज किया है सच को यूज करके. द मर्डर इज सच अ मिस्ट्री, यानी कि मर्डर बहुत ही बड़ी पहेली है, ये बताने की कोशिश की है. वो बड़ी पहेली है, ये एक एक्शन है, और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये हुआ है
कि वो दो साल तक सुलझ ही नहीं पाई है। तो जब भी आपको एक एम्फसिस दिखाना हो और उस एम्फसिस का एक रिजल्ट दिखाना हो, तब हम यूज करते हैं सच दैट, राइट। एक एम्फसिस है और इस एम्फसिस का रिजल्ट दिखाना है, तब हम यूज करेंगे सच दैट, राइट। क्योंकि देखिए, हमने सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। द मर्डर इज सच ए मिस्ट्री, एक एक्शन है और हमने एम्फसिस डाला है उस एक्शन पे, और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है कि वो मर्डर दो साल तक सॉल्व नहीं हुआ है, ये उसका रिजल्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सच और दैट को यूज करते हैं। पर इसका स्ट्रक्चर क्या है? सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस दैट। तो इसमें सच आया है, आर्टिकल आया है, मिस्ट्री एक नाउन है और दैट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज सच अ स्ट्रेंज मर्डर दैट इट्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट एविडेंस। ये मर्डर इतना अजीब है कि इसमें एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल है। फिर से सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज सच अ स्ट्रेंज मर्डर, ये काफी अजीब मर्डर है, एम्फसिस किया है, उसका रिजल्ट क्या है कि इसमें एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो यहां पर हमने यूज किया है एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन। सच आर्टिकल, स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है, मर्डर एक नाउन है, सो एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन, उसके बाद दैट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है, सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस दैट, और सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस दैट, और वहां पर हम यूज करते हैं सच दैट। जब भी एम्फसिस डालने की वजह से उसका रिजल्ट बताना हो, तब हम यूज करेंगे सच दैट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम देखते हैं सो दैट। इसका भी लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, रिजल्ट और एम्फसिस। एम्फसिस की वजह से जो रिजल्ट आता है वो हमें बताना है सेंटेंस में। सेंटेंस है, द न्यूज वॉज सो सेंसिटिव। हम सेंटेंस को यहां रोक देते हैं, द न्यूज वॉज सो सेंसिटिव। ये न्यूज काफी सेंसिटिव थी और उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या हुआ? दैट इट अट्रैक्टेड मीडिया अटेंशन। उसकी वजह से काफी मीडिया अटेंशन मिला उसे, ये उसका रिजल्ट है। तो यहां पर अगर आप देखो तो हमने यूज किया है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, क्लियर। सेकेंड सेंटेंस देखते, द सोशल मीडिया कवर्ड द न्यूज सो क्विकली। यहां पे हमने सेंटेंस को रोक दिया। रिजल्ट क्या है? दैट इट वेंट वायरल। स्ट्रक्चर क्या है? सो प्लस एडवर्ब प्लस दैट। तो सो दैट को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ, और सच दैट को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव नाउन के कॉम्बिनेशन के साथ। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। I hope that is clear. अब हम समझते हैं so much that को कैसे use करेंगे। Again logic वही है, result और emphasis। Sentences देखते हैं, the new medicine was so much better। यहां sentence खत्म होगा। उसका result क्या हुआ? That he felt well immediately। नई दवाई काफी अच्छी थी। Result क्या है? कि उसे तुरंत आराम मिला। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने sentence को रोक दिया और ये इसका result है। तो यहां पर क्या यूज हुआ है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सो मच बेटर, राइट। सो मच बेटर, बेटर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो सो मच प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद दैट आएगा, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द हाईवेज आर नाउ बीइंग बिल्ट सो मच मोर क्विकली। मैंने सेंटेंस को यहां रोक दिया। उसका रिजल्ट क्या है? दैट मेक्स ट्रैवल इजी। इसकी वजह से ट्रैवल करना काफी आसान है। और यहां पर क्या हुआ है? इट्स अ कंपैरेटिव एडवर्ब, सो मच प्लस कंपैरेटिव एडवर्ब प्लस दैट। तो सो मच दैट को आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव और कंपैरेटिव एडवर्ब के साथ भी यूज कर सकते हो, सो मच दैट। आई होप दैट इज क्लियर। तो अभी आपको पता है कि सो दैट, सच दैट, सो मच दैट के साथ सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, राइट, ताकि आप गलती नहीं करो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सो सच, सो मच, सच दैट, सो मच दैट, इन सारे स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये सीखा है। देखिए, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर। हाँ, और अगर आप यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाय।